महासमुंद जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से जिला शतरंज संघ महासमुंद द्वारा पहली बार ऑल इंडिया फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया। 11 जून से 15 जून तक इसका आयोजन किया गया, जिसका समापन 15 जून को हुआ। इस टूर्नामेंट में 10 राज्यों के 250 खिलाड़ी शामिल हुए। बिहार के कुमार गौरव ने 8 अंक की बढ़त के साथ टूर्नामेंट अपने नाम किया। वहीं पश्चिम बंगाल की स्नेहा हल्दर दूसरे और बिहार के ही किशन कुमार तीसरे स्थान पर रहे। शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया, कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, डीएफओ सीईओ ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया है। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने इस टूर्नामेंट को करियर के लिए बेहतर बताया। महासमुंद कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में छत्तीसगढ़ चेस में अपना एक नया आयाम खड़ा करने वाली है। आने वाले समय में महासमुंद के खिलाड़ियों को वीकेंड में प्रशिक्षण के साथ जिले में फेडरेशन के सहयोग से चेसिंग स्कूल का भी चयन किया जाएगा। वहीं शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया ने बताया कि चेस बच्चों के भविष्य के रूप में कारगर साबित होगा। इसे खेलने से एकाग्रता और धैर्य मिलती है, जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पहले यह टूर्नामेंट बहुत कम होता था, मुझे आइडिया नहीं था ये टूर्नामेंट का। यहाँ के लोकल प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे बताया तो मैं यहाँ पे आया। सब अरेंजमेंट अच्छा था, टूर्नामेंट अच्छा हुआ और मैं चैंपियन बना। मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा ये टूर्नामेंट, पर ठीक था, सब कुछ अच्छा था यहाँ पे, अरेंजमेंट वगैरह, खाना पीना सब। टूर्नामेंट हॉल भी सही था। बाकी खिलाड़ी कैसे खेल रहे थे? काफ़ी सारे स्टेट से प्लेयर आए थे, जैसे मैं बिहार से हूँ, कोई छत्तीसगढ़ से थे, उड़ीसा के थे, झारखंड के थे। क्योंकि आप नेशनल प्लेयर हैं, तो आपको देख के क्या लग रहा था कि बाकी लोग जो है वो किस टाइप के खेल खेल रहे हैं? एक्चुअली चेस में रेटिंग के अनुसार होता है, जिसका रेटिंग हाई होता है वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। जैसे कि मेरा रेटिंग 2.0 है, सब लोअर वाले थे, जैसे 1.7, 1.8 ऐसा कुछ था। इंटरनेशनल रेटिंग होता है इसमें, तो उस हिसाब से सब खेलते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, यहाँ पे नए प्लेयर्स इसमें जुड़ेंगे चेस में, तो और अच्छा होगा। 12 राज्यों से खिलाड़ी आए थे, उनके साथ खेलने में मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों से मैं जीती, कुछ लोगों से हारी, कुछ लोगों से मैचेस ड्रॉ हुए, और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलती हुई और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगा। ये रेटेड टूर्नामेंट था, तो चेस में रेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक प्लेयर कितना अच्छा खेलता है ये उसकी रेटिंग से ही पता चलता है। तो आप जितने ज़्यादा रेटेड प्लेयर्स से जीतेंगे, उतनी आपकी रेटिंग इंक्रीज़ होती है, जिससे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। इसमें जो महासमुंद ट्रॉफी फिडे रैंकिंग कॉम्पिटिशन, महासमुंद जिला प्रशासन, स्टेट चेस फेडरेशन, जिला चेस फेडरेशन तथा जिला प्रशासन द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसका आज समापन रहा। लगभग 10 राज्यों से और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। 240 से ऊपर प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इसमें दो तरह के टूर्नामेंट एक साथ ही हुए थे। पहले क्लासिकल जो होता है उसके 9 मैचेस, और कल शाम को जो ब्लीच करके कहते हैं कि 3 मिनट्स के चेस की कॉम्पिटिशन रहती है, इस तरह के 7 मैचेस, इस तरह के 2 कंपटीशन किए गए और बहुत प्रतिभागियों ने अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया। चेस बच्चों के भविष्य के रूप में काफी कारगर होने वाला है, और चेस का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रमोशन कर रहे हैं, पूरे जिले में इसकी टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं, और चेस खेलने से बच्चों को एकाग्रता और अपना धैर्य की ट्रेनिंग मिलती है, जो अपने जीवन में आगे चल के वो हर परिस्थिति में उसको अपना सकते हैं। अभी हम लोग, जैसा कि आपको पहले से जानकारी होगी कि हमने छत्तीसगढ़ पहला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जिसने चेसिंग स्कूल चालू किया है। बस्तर में कुछ स्कूलों में चालू हो गया, बालोद में चालू हो गया, जैसा कि अभी महासमुंद कलेक्टर महोदय ने बताया कि यहाँ भी चेसिंग स्कूल चालू किया जा रहा है।